तो 5-6 कर लिए, अब 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो दिए हैं उसको सॉल्यूशन लिखना है, लिख दीजिए। तो इस जो सवाल है ना, ये 5.3 का जितना भी सवाल है पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको जो जो समझ में आएगा उसको लिखना है, और जो जो निकालने बोलेगा उसको लिखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। उस एपी का प्रथम 22वें पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब आपको प्रथम 22वें पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला है। तो एस एन 22 के पदों का योग, मतलब आपका टोटल एस एन कितना होगा वो निकालने बोले हैं, जिसमें डी कितना है आपको, डी कितना है 7, सर्वांतर कितना आपको 7 है, और 22वें पद और एन जो 22वें नंबर पद है, ये 22 नंबर जो पद है आपका कितना है 149 है। समझ में आया कि 22वें पद 149 है, मतलब 22 नंबर जो पद होगा आपका वो कितना होगा 149 है, डी कितना है आपका 7 है, और एस 22 को जो ज्ञात करना है, मतलब 22वें जो पद होगा उसको जोड़ निकालना आपका। तो क्या करना है इसको, हम लोग इसको इस तरह से कर सकते कि नहीं कर सकते, 22वें पद 149 है, 22 को किस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस 21 बी, कर सकते कि नहीं कर सकते 149। तो ए प्लस 21 डी कितना है, डी क्या 7 लिख देते हैं 149, क्या ए प्लस 7 14 ना 149, तो ए बराबर 149 से माइनस 7 घटा 147 घटा देंगे, ए का मान कितना आ गया, ए का मान हम लोगों का 2 आ चुका है, एक एवं दो आ चुका है कि नहीं आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालना है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा टू, कितना पदों का जो निकालने बोले हैं, ये 22वें पद जो है टोटल हम लोग को पता है, तो हम लोग ए प्लस एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एन कितना, एन का मान कितना आपको, टोटल 22वें पद बोले हैं, तो 22 बटा 2 टोटल कितना, 22वें पद बोला है कि नहीं बोला है, एस 22 हाँ। तो अब ए कितना मान आ गया आपका 2, प्लस एन का मान कितना था 150 आ गया ना। अब क्या करेंगे, 11 से 151 है, देखिए 11 से 151 है कि नहीं है, आपको इस तरह से गुणा किस तरह से करना है। देखिए जब आपको ना ये वाला गुणा करना है 11 के साथ, जब गुणा करने का शॉर्ट किस्त बता रहे हैं, पहले कितना है 1 है तो पहले 1 लिख दीजिए, 5 और 1 कितना था 6 लिख दीजिए, 5 और 1 6 लिख दीजिए, 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, बस हम लोगों का ए 22 पद का जो पता आ गया। अगर ये शॉर्टकट वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग देख सकते हैं आप गुणा का शॉर्टकट ट्रिक्स। लेकिन आपको ये बात समझ में आया कि नहीं, ये बहुत इजी है, आशा करता हूं समझ में आ गया आपको पूरा तरीके से, ठीक है। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं।